Hello friends, my name is Kushal. Welcome to my channel. I'm going to cover Super Chess League 21. The game was played between Vidit Santosh Gujarati of India and Ding Liren of China. This is the game from round 3. So hope you guys will enjoy this. So let's start. Ding with the white pieces started the game with d4. Vidit reply with knight to f6. So it's a Indian game. Ding developed the bishop f4, d5, e3, strengthening the center. And as the dark square bishop is out, so वो कर सकते हैं इसको, पॉन को बाहर कर सकते हैं पुश. c5, Vidit immediately strikes in the center. Pawn takes c5. Queen to f5 check. Ding blocks check with knight and also develop the knight. Queen takes c5. Knight to b5. So यहाँ पे एक tactics है, अगर विदित careful नहीं रहते और अपना क्वीन को कहीं और डिफरेंट डायगनल पे मूव करते हैं, तो यहाँ पे जो बिशप और नाइट है वो एक डायगनल पे देख रहा है, नाइट से चेक आएगा और रुक चला जाएगा बहुत स्टार्टिंग में. लेकिन ये ग्रैंड मास्टर लेवल पे से सब होता नहीं है वैसे. सो उस स्क्वायर को कवर करने के लिए उन्होंने डेवलप किया नाइट टू a6, c3 स्ट्रेंथनिंग द सेंटर. बिशप टू d7 अटैकिंग ऑन द नाइट. सो अभी नाइट पे डबल अटैक है, तो डिंग ने a4 किया, नाइट को स्ट्रेंथन किया, पॉन से सपोर्ट दिया, और विदित ने e6 मूव किया अपना, जस्ट सेंटर को स्ट्रेंथन किया और अपने डार्क सिल्वर बिशप को डेवलप करने के लिए. सो नाइट टू f3 एंड बिशप टू e7 डार्क सिल्वर. अभी दोनों पहले अभी विदित रेडी हैं कैसलिंग के लिए. तो डिंग ने बिशप टू e2, विदित कैसल्स एंड डिंग कैसल्स. चलो अभी दोनों प्लेयर्स ने किंग्स कैसल कर लिया. क्वीन टू b6 वेटिंग मूव, और डिंग क्यू टू डी फोर. अब ये डिंग ने क्वीन एक्सचेंज के लिए ऑफर किया है विदित को, लेकिन विदित ने डिक्लाइन किया. विदित ने बिशप टू c5 किया, क्वीन के ऊपर अटैक किया. सो क्वीन को मूव करना पड़ा क्वीन टू d3, सेम वहीं पे है, क्वीन को पीछे कर दिया उन्होंने. रुक f2 c8, अभी ये फाइल ओपन होने वाली है इसलिए रुक को वहाँ पे रखा है विदित ने. और बिशप टू पॉन टू b4 बिशप पे अटैक किया विदित डिंग ने. सो रिट्रीटिंग विद द बिशप, बिशप टू e7 और रुक f2 c1, क्योंकि ये फाइल अभी थोड़े टाइम बाद ओपन होने वाली है, इसलिए दोनों प्लेयर्स चाहते हैं कि उनका जो रुक है वो ओपन फाइल पे रहे. तो क्यून टू d8, क्यून को वापस ले गए, एक पैसिव स्क्वायर है ये क्वीन के लिए, लेकिन अभी ज़्यादा स्क्वायर है नहीं, क्योंकि बोर्ड ज़्यादा ओपन हुआ नहीं है अभी, सिर्फ कुछ ज़्यादा ट्रेड हुए नहीं अभी, तो इसीलिए क्वीन को पीछे लेके गए विदित. अभी क्यून टू d4 वही डायगनल रिज्यूम किया क्यून ने फिर से, जो पहले डायगनल पे थी. डिंग ने अपने क्यून को थोड़ा एक्टिव करने की कोशिश की, और ये विदित ने अभी उनको क्यून ट्रेड के लिए ऑफर किया, लेकिन विदित ने अपने बिशप को डेवलप किया और बोला कि अगर आपको क्वीन ट्रेड करना तो आप कीजिए, मैं नहीं करूँगा. दिस इज़ गुड मूव. सो उन्होंने बिशप को रिट्रीट किया अपने बिशप को, बिशप टू e8, और ये पोन टू h3 मूव का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, बस वेटिंग मूव है आप मान लीजिए, और थोड़ा सा बैक रैंक इशूज से बचने के लिए, ब्रीथिंग स्पेस. और सेम डिंग विदित ने भी ऐसे किया, h6 उन्हें किंग के लिए थोड़ा ब्रीथिंग स्पेस बनाया. और क्वीन टेक्स b6, तो क्वीन एक्सचेंज हो गई अभी बोर्ड से. अब पॉन टेक्स b6, अब ये बिशप को लेके आए हैं उसी डायगनल पे, बिशप टू d4, उस जो वीक पॉन है उस पर अटैक बनाने के लिए. तो सो विदित ने उसको नाइट टू d7 करके पॉन को सेव किया. बिशप टू d3 एंड f6, अभी जैसे क्यून हमारी एक्सचेंज हो गया, तो फिर अभी एंड गेम की तरफ बढ़ रहे हैं हम, तो फिर इसीलिए f6 उनको सेंटर में थोड़ी प्रेजेंस बढ़ाने के लिए पॉन पुश किया. तो डिंग ने e4 पुश किया, और उन्होंने
विदित ने e5 कर दिया, बिशप पे अटैक, अभी बिशप को रिट्रीट करना पड़ेगा। बिशप e3 किया, f5 सेंटर पे अटैक कर दिया। सो e takes d5 एंड फर्दर e4, अभी ये फोक लग गया, अभी नाइट और बिशप पे फोक लगा है, दोनों में से एक पीस तो भी जाएगा जाएगा इनका डिंग का। सो डिंग ने इसको d6 पुश कर दिया आगे, उनके बिशप पे अटैक किया और बिशप को उन्होंने रिट्रीट कर लिया। बिशप f6, अभी ये बिशप पे भी डबल अटैक, अगर नाइट मूव करता है फ्यूचर में तो ये पॉन भी वीक है, ये भी फॉल हो जाएगा। और इन्होंने अभी रिट्रीट किया अपने बिशप को, बिशप e2। सो e takes f3, नाइट ले लिया विदित ने एंड बिशप टेक्स f3। और सो अभी जो हमारे डिंग ले रहे हैं वो भी एक पीस डाउन हो चुके हैं और विदित ने काफ़ी अच्छा होल्ड बना कर रखा है इस गेम में। सो रुख a to b8 एंड a5, उन्होंने आगे पुश किया डिंग ने, अभी उनके पास ज़्यादा कुछ है नहीं पोजीशन में। सो b takes a5, रुख टेक्स a5, नाइट टू e5, वाइट लाइट्स का बिशप पर अटैक था इसलिए उनको मूव किया विद चेक, टेम्पो के साथ मूव किया। बिशप f7 ब्लॉक किया बिशप से, सो बिशप टेक्स f7 चेक, किंग टेक्स f7, अभी किंग को और एक्टिव कर रहे हैं विदित। सो ये d7, ये पॉन अपनी प्रमोटिंग स्क्वेयर से एक ही कदम दूर है लेकिन ये प्रमोट हो नहीं पाएगा कभी क्योंकि विदित ने अपना बैक रैंक काफ़ी अच्छे से डिफेंड किया हुआ, वो स्क्वेयर बिशप ने भी कवर किया और दोनों रुख भी उसको कवर कर रहे हैं। सो उसको रोका रुक d8, नाइट टू d6 चेक, ये पोन को टेम्परेरी प्रोटेक्ट करने का तरीका है और इससे ज़्यादा प्रोटेक्ट कर नहीं पाएंगे वो उनको क्योंकि है नहीं उनके पास। सो नाइट के ऊपर अटैक है एंड नाइट टेक्स b7, सो रुक टेक b7, रुक टेक्स a6 विद चेक, किंग मूव्स बैक, किंग f7, c4, अभी लेकिन ये काफ़ी देर हो चुकी है, अगर ये पोन थोड़ा आगे रहता तो शायद उसको प्रोटेक्शन मिल सकती थी लेकिन अभी ये बहुत देर हो चुकी है। सो c4 एक जस्ट मूव है बस, उनके पास अभी कुछ है नहीं। सो रुक टेक्स b4, एक पोन फॉल हो गया, अब ये दूसरा पोन भी जल्दी फॉल हो जाएगा। c5 तो आगे पुश करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं कर पाएंगे। सो रुक टेक्स d7, जो इनकी आखिरी होप थी विदित इसकी डिंग लेरन की, वो भी अभी ख़त्म होती दिखाई दे रही है। सो c6 रुक पे अटैक है, रुक c7, उसको पोन को आगे से ब्लॉक किया, रुक a7, और ये रुक को पिन किया। सो उन्होंने रुक को सपोर्ट किया बिशप टू d8, रुक c to a1, किंग e6, किंग को अनपिन किया अभी रुक को। सो रुक को पीछे ले जाके बिशप पे अटैक किया, रुक a8, नाइट टेक्स c6 और बिशप को डिफेंड किया। सो रुक c1, अभी नाइट के ऊपर दो अटैक कर दिया, नाइट अगर हिले, नाइट अगर मूव करेगा तो रुक हमारा फॉल हो जाएगा। सो बिशप को मूव किया, बिशप f6, अभी नाइट के ऊपर दूसरा अटैक है एंड किंग से उसको डिफेंड, किंग d7, किंग से डिफेंड किया। सो किंग रुक d1 चेक, किंग e8, अभी किंग वहाँ पे काफ़ी स्क्वेयर सेफ है, कुछ है नहीं इनके डिंग लेरन के पास अभी कुछ। सो रुक c1, अभी हमारे जो नाइट के ऊपर डबल अटैक है और नाइट को उन्होंने जस्ट रिट्रीट किया, नाइट b8। देखिए अभी यहाँ पे एक टैक्टिस है, अगर डिंग लेरन का नाइट को लेते हैं, रुक को लेते हैं तो जस्ट ये रुक 2 से चेक आएगा और हमारा बिशप जब किंग मूव होगा, किंग h1 पे मूव होगा और हमारे बिशप से चेक आएगा और हम वो रुक ले सकते हैं। सो इसी उन्होंने डिंग लेरन ने फिर लास्ट कोशिश किया, रुक टू e6 चेक, किंग टू d7, रुक के ऊपर अटैक है, रुक टेक्स c7 चेक, सो किंग टेक्स e6, रुक किंग ने वो रुक ले लिया और इसके बाद जो डिंग ले रहे हैं उन्होंने रिज़ाइन कर दिया क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं, जस्ट एक पीस डाउन है और एक पीस डाउन विदित संतोष गुजराती के खिलाफ काम नहीं करेगा।
सो इसीलिए उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। ये गेम एक्चुअली उनके हाथ से बहुत पहले ही जा चुका था, लेकिन फिर भी लास्ट टाइम खेले। सो दैट्स द गेम, आई होप यू गाइस एंजॉय, एंड सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।